इसराइल पर किए गए हमले के बाद मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोगों को ये नहीं पता कि आखिर हमास ने अपनी सत्ता कैसे बनाई। 1948 में इसराइल के बनने के साथ ही अरब मुल्कों में नाराजगी बढ़ने लगी। जॉर्डन, मिस्र, सीरिया जैसे अरब देश फलिस्तीनी सत्ता में हिस्सेदार थे। 1964 में इसराइल का मुकाबला करने के लिए फलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। खबरें ये भी है कि ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। हालांकि ईरान शिया आबादी का मुल्क है जबकि अरब सुन्नी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो हमास में लगभग 27,000 लोग हैं जिन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। हमास का मुख्य मकसद फिलिस्तीनी आबादी वाले इसराइल पर कब्जा करना है और खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना है। हालांकि कई सालों से हमास इसराइल पर हमला करता आ रहा है, लेकिन हर बार उसे इस देश में हार का सामना ही करना पड़ा है। बहुत समय बाद हमास इसराइल को परेशान करने में कामयाब हो पाया है।